हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पोर्चुला का प्लांट दिखाऊंगी। ये पोर्चुला का प्लांट है, इसमें पिंक कलर का पोर्चुला का है। ये इसको मॉस रोज भी कहते हैं। ये बहुत ही एक कॉमन प्लांट होती है, 9 o'clock कहते हैं इसको। ये सुबह में इसकी फूल खिलते हैं और शाम के अंदर इसकी फूल बंद भी हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लांट है, छोटी छोटी जगह पे बहुत सारा भर के आता है। समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो समर में इसकी फूल खिलते हैं। तो इसकी आज हम कटिंग से बहुत ही जल्दी इसको प्रोपोगेट करेंगे। ये इसकी छोटी भी कटिंग किसी भी जगह पे आपको अगर मिले तो आप उसको ले आइए। बहुत सी कलर होती है इसकी, बहुत सी कलर होती है, ऑरेंज होती है, येलो होती है, वाइट होती है, लाइट पिंक होती है, ऐसे बहुत सी कलर होती है। और सिंगल पेटल का भी होता है, डबल पेटल का भी होता है। ये डबल पेटल का है। इसको जितना आप धूप में रखें तो उतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आता है। तो इसको हम कट कर लेंगे। आप छोटा भी कट कर सकते हैं, बड़ा भी कट कर सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी आप कट कर सकते हैं। कटिंग भी इसकी बहुत अच्छी तरह से लग जाती है, बहुत छोटी छोटी कटिंग। आप 1 inch की कटिंग भी को ये लग जाती है। तो ये मैं बड़ा बड़ा कटिंग कट कर रही हूँ, लेकिन इससे मैं छोटी कटिंग निकाल दूँगी। ये प्लांट आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। ये मेरा हैंगिंग पॉट ही है जिसमें मैं लगाऊंगी। तो इस तरह हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हैं, आप ऊपर में हैंग करके जो पॉट आता है उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर आप धूप में रखेंगे तो उसकी फ्लावर बहुत ज़्यादा आती है, और छाया में रखेंगे तो फ्लावर कम आएगा। लेकिन इसको अगर धूप में रखेंगे तो भर भर के फ्लावर आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है सुबह के टाइम में, 9 से 10 बजे के अंदर ये इसकी फ्लावर खिलती है। इसको मॉस रोज भी कहते हैं। बड़ी बड़ी जब इसकी फूल आते हैं डबल पेटल के, तो इसको ये रोज़ की तरह ही दिखती है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग हम निकाल लेंगे, छोटी बड़ी आप किसी भी कटिंग निकाल सकते हो। 3 दिन के अंदर ये प्लांट अच्छी तरह से लग जाती है, सिर्फ 3 दिन के। आप ये सिर्फ देखिए, जो ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन ऊपर की तरफ आपको लगाना है, नीचे की पोर्शन नीचे की तरफ लगाना है। तो ये हमारी सारी कटिंग्स रेडी हो गई है। इस तरह आप कोई भी कटिंग्स निकाल लीजिए। और ये प्लांट बहुत जल्दी टाइम लगता है इसको भरने में। ये बहुत साइड से इसकी जो आते हैं, ये सारी स्प्राउट्स आते हैं और ये पूरा भर जाती है। तो मैं इस तरह से होल्ड कर रही हूँ, आप उंगली की मदद से भी होल्ड कर सकते हो। तो इस तरह बहुत ही सिंपल होता है किसी भी जगह पे। ये मेरा मिट्टी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, आप इसमें कुछ भी मिक्स भी कर सकते हो। ये प्लांट में आप चाय की पत्ती, जिसमें शक्कर नहीं हो, ऐसी चाय की पत्ती सुखा के इसको ड्राई करके इसको इसके अंदर दे सकते हो, तो इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा आती है। आप बनाना फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, उसमें इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा आती है। तो इस तरह छोटी छोटी होल करके इस तरह से छोटी छोटी कटिंग हम लगा सकते हैं। इससे भी छोटी कटिंग लग जाएगी, लेकिन ठीक है, मेरे पास इतना कटिंग है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लगा देंगे हम लोग अच्छे से। इसको लगाने के बाद इसको पानी दे देंगे, तो 3 दिन के अंदर क्या होगा, इसमें नई जो ग्रोथ है वो आ जाएगी। ये बहुत ही जल्दी लग जाता है, ये जो कटिंग्स है ये स्ट्रेटन हो जाएगी और उसमें से इसमें ग्रोथ, न्यू ग्रोथ आ जाएगी। तो ये प्लांट आप गर्मियों के टाइम में लगाइए, विंटर के टाइम में ये प्लांट बहुत कम हो जाती है। लेकिन आप ये देखिएगा कि एक भी जगह पे आप इसका प्लांट थोड़ा बचा हो विंटर के टाइम में, क्योंकि उसमें से ही आप समर के टाइम में इसकी कटिंग निकाल सकते हैं। और ये इसमें सीड भी आते हैं, ये फ्लावर जब खिल जाती है उसमें सीड आती है, लेकिन सीड से भी जल्दी ये कटिंग में ज़्यादा अच्छी तरह से लगता है। तो जब ही समर आती है आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो पूरा समर ये आपको फ्लावर देगा। तो मेरी तो ये इस तरह से छोटी छोटी कटिंग मैंने लगा दी। जो ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ, जो नीचे का पोर्शन है वो नीचे की तरफ, इस तरह से दबा के हम लोग लगाएंगे।
और इसको अच्छे से दबा के लगा देंगे और इसको हैंग कर देंगे कि हैंगिंग प्लांटर है मेरा। तो 3 दिन के अंदर ही हम देखेंगे कि इसके अंदर से स्प्राउट्स आ रही है न्यू, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखेंगे, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये, बहुत ही कॉमन प्लांट है, सब लोगों की घर पे रहते हैं पोर्चुला का। तो ये इसका पोर्चुला का कहते हैं, मॉस रोज कहते हैं, 9 o'clock कहते हैं, काफ़ी सारी नाम भी है और काफ़ी सारी वैरायटी भी है इसका। तो ये बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो इसको मैं हैंगिंग पॉट है ये, इसको हैंग कर दूँगी। आप कोई भी हैंगिंग पॉट में इस तरह से लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से लगता है। देखिए आफ्टर 3 डेज इसकी देखिए न्यू ग्रोथ आई है, देखिए न्यू ग्रोथ आ गई है सभी जगह से। 3 दिन के अंदर ये पूरा सब कटिंग्स में ये ग्रोथ आ गया है, सब कटिंग्स में ग्रोथ आ गया है, सब कटिंग्स लग गई है, इसकी रूट आ गई है नीचे से। तो ये बहुत ही जल्दी लगता है, किसी भी जगह पे आपको ये कटिंग मिले पोर्चुला का आप ज़रूर लगाइए, ये बहुत ही जल्दी लगता है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।